हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे। सभी को कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके जीवन में नार्सिस्ट और नेगेटिव लोग हैं, आपने उनसे किस तरीके से डील करना शुरू कर दिया। चेक इन करेंगे हम टैरो से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादि शक्ति, थैंक यू भगवान शिव माँ पार्वती, थैंक यू राधे, थैंक यू एंसेस्टर, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी आई है। टेम्परेंस द फूल रिवर्स में, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दी हायरोफेंट, हायरोफेंट बार बार पॉपअप हो रहा था, आ ही गया। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंडिकल्स और बॉटम डेक में आया है किंग ऑफ पेंडिकल्स। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं आप लोगों की, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले जोडिक साइन सुन लें। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरिस लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 12 की 12 राशि आ चुकी हैं, 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है, नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील करेंगे कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन जब आप यूनिवर्स को देते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड उस नकारात्मक शक्तियों को डाउन करता है, आपके वाइब्रेशंस को हाई करता है। ठीक है, क्या कुछ चेंज आया है? देखिए, मुझे यहाँ पे चीज़ें जो नज़र आ रही है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, भाई आपके नौ के नौ कप्स भर चुके हैं। नौ कप्स क्या होते हैं? नौ कप्स है नौ ग्रह। ये देखें, नौ ग्रह, जब आपके नौ के नौ ग्रह आपके फेवर में काम करने लगते हैं ना, तो आपके नौ के नौ कप भर जाते हैं। जब आपके नौ के नौ कप भर जाते हैं, इसका मतलब क्या है? आप लाइफ के हर एक एरिया में सक्सेस को अचीव कर रहे होते हैं। आप अपने लाइफ के हर एक एरिया की जो पॉजिटिविटी है उसको अपने जीवन में महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये नौ कप्स आपने भर लिए हैं, ये नौ कप्स। और आप अभी अगर एक आध कप आपका खाली है, मुझे कुछ लोगों का कप यहाँ पे फाइनेंशियल पैसे के रिगार्डिंग आपका कप खाली लग रहा है, तो वो कप आप भर सकते हैं नेम करेक्शन से। नेम करेक्शन से आपका करियर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये देखिए मेरा लकी नंबर और नेम नंबर के साथ, जब हम आपका लकी नंबर निकाल करके देते हैं, सॉरी डेट ऑफ बर्थ से आपका हम लकी नंबर निकाल के देते हैं, और आपके नेम नंबर के साथ जब हम चीज़ें बैलेंस करके देते हैं, बी एन डी एन को मैच करते देते हैं, तो वो जो आपका करियर वाइज जो कप है वो आपका भरने लगता है। यानी आपका सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सोलर प्लेक्सस चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसी चक्र से जुड़े होते हुए हुआ होता है आपका करियर का जो कप है। ठीक है, तो आपके जो करियर का कप है वो भरना अगर आप चाहते हैं, तो आप अपनी नेम करेक्शन करा सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं तो ऑफर चल रहा है, दो के साथ एक फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जो ये आपके नौ कप हैं, ये डिवाइन ने भर दिए हैं, और आप इन नौ कपों को भरा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में। एक आध का खाली है, तो वो मैंने आपको बताया कैसे आप भर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये कपों को कैसे भरा अपने जीवन में, इन कप्स को आपने कैसे भरा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने ना डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, उनके सामने आप एक ही प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, ये जो नौ नाइन प्लैनेट्स हैं, ये नौ के नौ ग्रह मेरे प्रभु के चरणों के दास हैं। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, आप राधे कृष्णा को माने, आप भोले बाबा को माने, हनुमान जी को माने, शिव शक्ति को माने, किसी को भी आप मानते हैं, है ना, या अलग धर्म से आप हैं, किसी धर्म को आप मानते हैं, तो आपने अपने आप को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। तो तभी परमात्मा ने आपके नौ कप्स को भर दिया है, और इन नौ कप्स को भरने के बाद आपको डीलिंग आ गई है। आप लाइफ के किसी भी एरिया में स्टक नहीं होते। आपको पता लगने लग जाता है कि सामने से जो इंसान मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है या कर रही है, आपको उसी की भाषा में आप उनको जवाब देते हो। सीधी बात है, पहले क्या था, जब आपके कप्स खाली होते हैं तब आपको समझ ही नहीं आता, आप रोने धोने में लग जाते हो, अरे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे को वैसा बोल दिया। अब क्या, आप लोगों को मुँह तोड़ उनकी झंड करना आपने शुरू कर दी है।
अब आप है ना चुप नहीं रहते हो, पहले आप चुप रहते थे और जो है उन लोगों की बेवकूफ़ी भरी बातों को अपने दिल पर लगा लेते थे, तो आप नहीं लगाते आप, क्योंकि आप आपके कप्स भर चुके हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आपके जीवन में मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत अच्छा काम करता है लोगों के साथ डील करने में। नेगेटिव लोगों के साथ किस तरीके से डीलिंग की जाए वो सारी ही चीज़ें अब आपको आ गई हैं, क्योंकि आपके टेम्परेंस की भी एनर्जी आई है। द फूल आया है रिवर्स में, रिवर्स का सेंस ये है कि पास्ट में आप फूल की एनर्जी में थे। ठीक है, फूल क्या होता है, फूल होता तो एक विद्वान है, लेकिन वो उसके अंदर भलाई और अच्छाई इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोग उसका कैसे फ़ायदा उठा गए, किस तरीके से उसको हर्ट कर गए, वो समझ नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे फूल इस जीवन यात्रा पर आगे बढ़ने लगता है तो उस फूल को अंदाज़ा आने लगता है कि ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं ये मेरी ही क्रिएट करी हुई है, मुझे खुद इससे निजात पाना होगा। तो ये एनर्जीज से आप निकल रहे हैं। ठीक है, फूल की एनर्जी से शिफ्ट कर करके आप दे हरफंट की एनर्जीज में आ गए। हाँ, आप डिवोटी हो सकते हैं अपने परमात्मा के, आप एक पूज्य व्यक्ति हैं, आप एक पूजनीय व्यक्ति हैं। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कौन देख रहा है मुझे नहीं पता, बट आप पूजनीय हैं, क्योंकि आप धर्म कर्म को मानने वाले हैं, आप समाज के हित में जाने वाले इंसान हैं, आप धर्म के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करते, है ना। जन कल्याण के भाव आपके मन में होते हैं, आप सेल्फिश किस्म के इंसान नहीं है कि मेरा भर जाए, मैं और मेरे बच्चे, इन तक आप नहीं है। आप समस्त विश्व कल्याण, समाज कल्याण की आप भावना से भरे हुए इंसान हैं, ऐसी एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हैं। जैसी जिसकी सोच होती है ना, उसको उतनी ही राह भी परमात्मा दिखानी शुरू कर देते हैं। जिनकी छोटी सोच होती है उनको छोटे काम दिए जाते हैं, जिनकी बड़ी सोच होती है उनको बड़े काम दिए जाते हैं। और जब बड़ी सोच होगी, बड़े काम होंगे, तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी आएंगी भाई, ये भी बात है। बट यस, उससे डील कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, वो चीज़ें आपको आपके ईश्वर ने सिखा दी है, नहीं सिखाई है तो सिखा देंगे इन फ्यूचर, अगर आप टैरो से जुड़े रहे तो। ठीक है, और जो आप अपनी इस एनर्जीज में आते हो ना, कि जब आप लोगों को उनकी औकात दिखाते हो, उनकी ही भाषा में उनसे बात करते हैं, तब वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज में चले जाते हैं। तब वो इस एनर्जीज में जा कर के आपके बारे में बहुत सोचना शुरू करते हैं कि अरे ये इंसान कैसे बदल गया, पहले तो ये ऐसा नहीं था, ये कैसे बदला, ये पहले तो ऐसा नहीं था, या पहले तो ऐसी नहीं थी, ये तो बड़ा जवाब देने लग गया। क्यों भाई, तुम ही ज़्यादा खाना खाते हो क्या, मतलब तुम ही ज़्यादा होशियार हो क्या, मतलब दूसरा इंसान शराफत में है। ये इतने ढीठ किस्म के लोग होते हैं, इंसान लोगों की अच्छाइयों को ना मिसयूज़ करना इनको आता है, क्योंकि इनके ब्लड में गंदगी है। ठीक है, इम्प्योर ब्लडी है नेचर है इन लोगों का। सो ये तभी लोगों के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, जालसाजी करते हैं, ऐसे लोग ये होते हैं। बट आप प्योर सोल हैं, आप जो बोलना है मुंह पर बोल करके साइड हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर किसी भी किस्म का लालच नहीं है। आपका सिर्फ ये लालच है कि मेरे भगवान ने हमें सांसें दी हुई हैं ना, इसका भी शुक्राना। अगर इन चीज़ों का आप शुक्राना करते हैं ना, दो वक्त की रोटी का शुक्राना करते हैं, शरीर पर कपड़ों का शुक्राना करते हैं, तो भी आप अपने परमात्मा से वो सब कुछ मांग सकते हैं जो आप, मतलब ईश्वर से आप वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, है ना। कुछ लोगों को ये पता होता है कि मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन वो ऐसे गंदे माहौल में, ऐसे गलत लोगों में फंस जाता है कि मैं अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, वो ईश्वर जानते हैं। हर्डल्स देंगे, परेशानियां देंगे, पार करने की क्षमता भी वो देंगे, है ना। तो भगवान का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ते जाओ, परमात्मा का नाम ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाओ, नहीं करते हैं तो। बट बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आप अपने परमात्मा के नाम के बिना तो चलते ही नहीं हैं। आपका आंखें जब खुलती हैं तो सबसे पहले आपके ईश्वर का नाम उस जुबान पर होता है, ऐसी एनर्जीज में आप हैं। एस ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जीज है एंड फाइव ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कई बार आप ये महसूस करते होंगे कि आपके ना मनी में ब्लॉकेजेस कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग आपके मनी में ब्लॉकेजेस कर रहे हैं। अब ये ब्लॉकेजेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर समय कोई ब्लैक मैजिक ही आपके लिए कर रहा, नहीं। कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोच रहे कि अरे वो तो कितना सक्सेस हो रहा है, वो तो कितना कामयाब हो रहा, अरे ये वो, हाय 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 करके जब कोई आपके बारे में सोच रहा होता ना, तो आपके मनी में ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस ये है कि अपने प्लान्स को प्लीज़ सीक्रेट रखें, अपनी बातें किसी को भी मत बताएं। जो भी कर रहे हैं शांतिपूर्वक ढंग से अपने परमात्मा का नाम लेकर के करें। अपने आप को जितना आप छुपाओगे ना,
उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लोगों कोई नहीं चाहता कोई सक्सेस करे, सफलता पाए, कोई भी नहीं चाहता आप सक्सीड करे। लोगों को ना भूखे नंगे रोने धोने वाले लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, है ना। हंसने वाला, खुश मिजाज वाला, लाइफ में आगे बढ़ने वाला, ऐसे लोगों को लोग बहुत कम पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की हमेशा पीठ पीछे चुगली निंदा होती है, बट होने दीजिए, चुगली निंदा पीठ पीछे उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, क्योंकि मरे गले लोगों से तो वैसे भी कोई बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। सो फाइव ऑफ हेरोफेंट की एनर्जीज है, आप परमात्मा के डिवोटी मुझे दिख रही हैं, और जो भी लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे ना, तो ये जो डिवोटी हैं इनको सारे ही प्लान्स इन पर बैकफायर कर देंगे और आपको जीवन में विक्ट्री देंगे, और वो जो भी लोग आपके जीवन में ऑब्स्टेकल परेशानियां डाल रहे हैं वो इस एनर्जीज में चले जाएंगे, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर आपका करियर का कप खाली है तो आपकी नेम की करेक्शन से वो कप आपका भर जाएगा। आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, हेल्प मिलेगी, लाइफ के हर एक एरिया में आप सक्सेस को अनुभव करेंगे आफ्टर नेम करेक्शन, ठीक है। नेम करेक्शन से तकरीबन 6 महीने बाद आपको रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाते हैं, और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। अब मैं बात करूँ नेम करेक्शन से, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमने अपना डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करना होगा। नहीं, आपका डॉक्यूमेंट में नाम चेंज नहीं होता, सिर्फ आपके नाम में से कुछ अल्फ़ाबेट्स का फेरबदल हम करते हैं, ठीक है। कुछ लेटर्स हमें ऐड करने होते हैं, कुछ लेटर्स हमें निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये नेम करेक्शन होती है, नाम आपका वही रहता है बट लेटर्स का हमें फेरबदल करना होता है, और उसके लिए आपका एक छोटा सा रिचुअल होता है जो आपको हम फॉलो कराएंगे बाद में, जब आप नेम करेक्शन का अपना सेशन बुक कर लेते हैं, ठीक है जी। बाकी किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई नाम चेंज नहीं करना, नेम करेक्शन से आप जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा हरि बोल, राधे राधे।